हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, वो ना सिर्फ आपका दिमाग खोल कर रख देगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका और ज़िंदगी दोनों बदल कर रख देगी। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी का दिमाग एक जैसा होता है। कद काठी रंग रूप को छोड़कर अगर बात की जाए तो हर इंसान दिखने में एक जैसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि 95% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या है जो 95% लोगों के पास नहीं है? एक सकारात्मक सोच, एक कल्पनाकारी सोच और अपनी इस कल्पना को सच में बदलने के लिए ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, जो उन 5% लोगों में कूट कूट कर भरी होती है। बस यही सोचने का तरीका सबका अलग अलग होने की वजह से 95% लोग उन 5% लोगों के अंडर काम कर रहे होते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीज़ें इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा आसपास का माहौल। जी हाँ, यही दो चीज़ें इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है। ये एक ऐसा मानसिक अथवा सोच का वो दायरा होता है जो आपकी काबिलियत को अपने सीमित दायरे में बांध कर रख देती है, और तो और ये आपको एक ऐसा कुएं का मेंढक भी बना देती है जिसमें आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि जो है बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी कि ये वो दायरा है जिसके अंदर धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति खत्म होते चली जाती है। ना तो आपका कुछ भी अलग और क्रिएटिविटी करने का मन करेगा, और ना ही ज़्यादा दिमाग और शारीरिक मेहनत करने का मन करेगा। यह अपना सबसे पहला अटैक आपकी सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर करती है, जिसके चलते आप जीवन में कोई बड़ा और महान लक्ष्य बना भी नहीं पाते हैं। जब कल्पना शक्ति ही काम नहीं करेगी तो आप महान लक्ष्य के बारे में विचार कैसे करेंगे? और मान भी लो आपने कोई महान लक्ष्य बना भी लिया तो उसे सच में बदलने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाओगे। सपनों को सच में तभी बदल पाओगे ना जब इच्छा शक्ति काम करेगी। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल जोन का दूसरा अटैक अपनी इच्छा शक्ति पर होता है, जिसमें आपका कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत करने का मन नहीं करेगा। बस आपका मन एक आरामदायक स्थिति में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि आपकी उस जोन में रहने की आदत बन चुकी होती है, आपकी ऐसी लाइफ स्टाइल से प्यार हो चुका होता है। अगली जगह पर आप तभी पहुंच पाओगे ना जब पहली जगह को छोड़ोगे। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। ये कंफर्ट जोन हर जगह पाया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस, हर जगह पर आपको ये कंफर्ट जोन वाले इंसान मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। घर का माहौल भी वैसा ही बन जाता है जॉब वाला, जहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि देख ले बेटा, तेरे को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो बढ़िया सी जॉब हासिल करनी है तेरे को, नाक नहीं कटना चाहिए, बढ़िया कंपनी में जॉब लेनी चाहिए, देख बेटा ये जॉब कर ले, बहुत पैसा है इसमें, बेटा डॉक्टर बनना है तेरे को, पैसा बहुत है इसमें, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनके दिखाना है, सपना पूरा करना है, समाज में नाम रोशन करना है। अब कोई बेटे या बेटी से पूछ तो लो उसकी इच्छा क्या है, और क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनकर ही समाज में नाम रोशन होता है और कुछ नहीं है? खैर, इसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज का, जहाँ पर सारी पढ़ाई का उद्देश्य घुमा दिया जाता है जॉब की तरफ, जहाँ पर सिखाया जाता है कि जॉब कैसे लेनी है, खुद को कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। मतलब क्रिएटिविटी की बात तो है ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। लोगों को नीड्स को देखते हुए आइडिया के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, बात होती है सिर्फ जॉब की। सिखाया जाता है रोज़गार कैसे हासिल करें, बल्कि ये नहीं सिखाया जाता है कि रोज़गार कैसे क्रिएट करें। यानी आधी ज़िंदगी तुम जो ज्ञान हासिल करवाया जाता है वो जॉब के लिए,
ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता को ऐसा ठप्पा लग जाता है कि जिसका क्रेज जिंदगी भर बना रहता है। इंटरव्यू, जॉब, कैंपस, कंपनी, सैलरी प्रमोशंस बस यही दिमाग में हमेशा चलता रहता है। फिर इन विचारों से आगे जाकर हमारा कुछ और करने का मन ही नहीं करता है। अब आप खुद विचार करो, ऐसे में किसका मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, महान लक्ष्य का निर्माण करने का, सफलता के लिए मुकाम को छूने का, नया इतिहास बनाने का। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि करोड़ों लोग किस मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। 95% और 5% का ये आंकड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए चैलेंज बन चुका है, और ये आंकड़ा जब तक बरकरार रहेगा तब तक आप उन 95% लोगों की तरह सोचेंगे। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं जनाब, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।